चांद नजर आया? हाँ चांद नजर आया, ये है पर इसको थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है। ये शायद आपने जुगत मारने की कोशिश की है भाईजान। जी की है। तो चांद मगरिब से निकलता है, आप मशरिक की तरफ क्यों देख रहे हैं? मेरा चांद ना मशरिक से निकलता है, तुम्हें कोई एतराज? भाईजान इस तरह अकेले अकेले लड़कियां ताड़ना सख्त नाइंसाफी है। अब मेरी बारी है, दूरबीन मुझे दीजिए। चलो परे हट, परे हट। एक लेंस से आप देखिएगा, एक से मैं देख लूंगा। नहीं, ये दूरबीन मेरी है, मैं देखूंगा इससे। वैसे देख किसको रहे हैं आप? इसमें मैं देख रहा हूँ तुम्हारी बहन को। ओए मारे गए भाईजान, ये तो सरासर फ्रॉड है। असफर, हम तुझे इतना नीच और घटिया हरगिज ना समझते थे। चुपता है, तुम्हारा कटिया भाई जो है ना, ये चांद मगरब की बजाय मशरक में देख रहा था। बाकी तुम खुद समझदार हो। झूठ बोल रही है। एक तो तू चोर है, ऊपर से हमारे मासूम शोहर को झूठा कह रहा है। जी बाजी झूठे है। अब तो ये भी कहेगा कि हमारी आंखों ने धोखा खाया और दूरबीन अशरफ के हाथ में दिया ना। हाँ हाँ, ये इनके हाथ में थी अभी। अब किसके हाथ में बता? मेरे से। मगर असफर, वैसे बहुत अफसोस की बात है, आज तो तूने हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शगुफ्ता बेगम, टुकड़े नहीं होते, कीमा होता है, कीमा। अब चुप रहिए जी, दिल का कीमा नहीं होता, दिल के टुकड़े होते हैं या फिर दिल छलनी होता है। बाजी, आपने मुझे जो कहना है अकेले में कह लीजिएगा। बेबी आ रही है, उसके सामने कुछ मत कहिएगा प्लीज। ये क्या हो रहा है? अरे बेबी, होना क्या है, मैंने तुम्हारे शोहर को ना वारदात करते हुए जाए वारदात पर ना रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। बेबी तुम ना खुद इस फ्रॉडिये की बाजी से पूछ लो। बताइए भाभी, क्या बात है? ना बाबा ना, हमें तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं थोड़ा सा बेशर्म हूँ, मैं बता देता हूँ। बताइए। असफर लड़कियों को ना दूरबीन से ताड़ता हुआ पकड़ा गया। क्या? हाँ। इस घटिया इंसान से मुझे ऐसी ही चीजों की उम्मीद थी। तुम कब इंसान के बच्चे बनोगे यू चीप? दोनों भाईजान, ये आपने ठीक नहीं किया, मैं आपसे बता लूंगा। तुम हमेशा लेने की बात करना, देने की कभी ना करना। दूरबीन, मेरा चांद कहीं भाग गया। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी आप टीवी पे क्या देख रही हैं? चांद। माँ जी आपके चांद का टुकड़ा तो इधर बैठा हुआ है। ये टोपी क्यों पहनी है? तरावी पढ़ने जा रहा है? ना माँ जी, मैंने ना एक फैसला किया है माँ जी। क्या? माँ जी मैं नमाज पढ़ू ना पढ़ू, रोजा रखू ना रखू, पर पूरे रमजान ये टोपी सर से नहीं उतारूंगा। तेरा है माँ जी, टोपी लगाने पे फिटे मुँह। टोपी लगाने पर नहीं, नमाज रोजे ना रखने पर फिटे मुँह। माँ जी आपको पता है चांद के कितने नाम होते हैं? नहीं, तुझे पता है? हाँ, मैं अभी अभी ना लुगात पढ़ के आया हूँ। लुगात क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा हुआ है कि चांद को हिलाल, महताब, कमर, चंद्रमा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा माँ जी, चंद्रमा जो है ना, ये हिंदी में चांद को कहते हैं। ये मैंने ना इंडिया का साबुन ड्रामा देखा था, उसमें बता रहे थे। अरे बुत तेरा, इस रमजान में मैं तुझे कोई फजूल हरकत नहीं करने दूंगी, बस आज से टीवी बंद तेरा। माँ जी पड़ोसी मुल्क का ड्रामा नहीं देखूंगा तो मेरा रोजा कैसे गुजरेगा? बस मैंने कह दिया तो कह दिया। माँ जी तुर्की का ड्रामा देखने की इजाजत होगी? फिटे मुंह तेरा। माँ जी जितना भी फिटे मुंह कहना ना, आज राज के कह लें, क्योंकि रोजों में ना फिटे मुंह कहने की पाबंदी आप पर भी होगी। फिर फिटे मुंह तेरा। अब मैंने रिएक्ट नहीं करना, फिर भी अगेन फिटे मुंह। आर यू सीरियस मॉम? माँ जी इस दफा पूरे रोजे रखेंगे? इंशाल्लाह। फिर से मैंने भी रखने पड़ेंगे माँ जी। इस दफा अगर किसी ने रोजा ना रखा तो? माँ जी आपका ये जो तो है ना, ये बड़ा खतरनाक और खौफनाक होता है। माँ जी एक दफा जरा शगुफ्ता के स्टाइल में इस तो की वजाहत तो कर दे। ये तो हम वक्त आने पर बताएंगे। माँ जी आप भी हम हो गई है हमर तुम। शिकलता बेगम, तुम्हें लख लख मुबारक हो, सुबह पहला रोजा है। क्या चांद नजर आ गया क्या? नहीं, चांद तो खैर किसी को भी नहीं नजर आया। चांद नजर नहीं आया तो फिर पहला रोजा कैसे होगा? कर मैनू की पता। शिकलता बेगम मेरी चंदे आफ्ताब, चंदे महताब, पता क्या है मौसम खराब था ना तो चांद नजर ही नहीं आया। मौलवी साहब ने ना जरा देर से ऐलान किया है। वाह, आज तो आप बहुत ही साफ और सलीस उर्दू बोल रहे हैं। ये इस्लामी महीना है ना, इसमें सलीस और साफ उर्दू बोलनी चाहिए। ठीक है, फिर तय हो गया, आज से हम भी ठेठ पंजाबी विच गल करेंगे। अच्छा ये बता शिकुता, ये जो तुम्हारी ये है ना, ये परवट्टे, ओ माफ करना, ये बमे जो है, इनको सलीस उर्दू में क्या कहते हैं? अबरू। हाँ, ये जो तुम्हारी आबरू है ना। आबरू नहीं,
अबरू। हाँ हाँ वही, ये तुम्हारी भवें नहीं है बल्कि दो हिलाल हैं हिलाल। अच्छा क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। शिगुफ्ता बेगम तुम्हें तो पता मैं ना चांद को देखते रोमांटिक हो जाता हूँ। मगर चांद तो आज नजर ही नहीं आया, आप ही ने तो कहा। हाँ चांद तो मैंने देखा ही नहीं, ये फिर मैं रोमांटिक क्यों हो रहा है? पूरे साल में रमजान में रोमांटिक होते हैं आप। गुफ्ता बेगम ये जो रोमांस होता है ना ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इसका मतलब है आज आपका मूड बहुत ज्यादा अच्छा है ना? हाँ बहुत ही अच्छा मूड है, मैंने रोजे रखने की खुशी में पागल हो रहा हूँ पागल। ठीक है हम अभी आपका मूड नॉर्मल किए देते हैं। वैसे अशरफ इस दफा ईद पे ना आप हमें पूरे 10 जोड़े दिलाएंगे। शिगुफ्ता बेगम मेरा ख्याल अब हमें सो जाना चाहिए। क्यों? सुबह सहरी में उठना है ना। अब कहाँ गया रोमांस आपका? शिगुफ्ता अब मुझे और मेरे रोमांटिक मूड को ना नींद आ रही है। ये इस वक्त कौन आ गया? जाइए जाके देखिए कौन है। शिगुफ्ता बेगम ओहो शिगुफ्ता बेगम ये तो लगता है कोई कैंटी के ऊपर ही बैठ गया। आपके पास तो कोई भी नहीं, आप किसको कह रहे हो साइड पे हो? और जो होता है वो नजर नहीं आता और जो नजर नहीं आता वो होता नहीं, दुर्दाना बट है। जी जी उन्हीं के घर है, लेकिन इतनी रात को किसी के घर आना ये कोई शराफत तो नहीं है ना? और चुप, माफ करना आपसे नहीं कह रहा हूँ, दुर्दाना बट है वो ना सोई हुई है, उनको जाके मेरा नाम बताओ। और तू क्या मेरे कान में खुजर खुजर कर रहा है? हाँ आपने अभी तक अपना नाम तो बताया ही नहीं। बाबा अशरफ बाबा जी अशरफ तो मेरा नाम है, मैं अपना ही नाम जाके माँ जी को कैसे बता सकता हूँ? बाबा तू मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? तब ये रात को तू किससे बकबक कर रहा है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा अशरफ आप बाहर क्यों खड़े हैं? ये मर्द नुमा लड़का मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा, और तू मेरे से पहले जाएगा, चल जा जा तू चला जा। नहीं नहीं तू चला जा अंदर। ये मेरा पुत्र है अशरफ पाटे। ओए अशरफ पुत्र इतना बड़ा हो गया और मुझे ही निकाल लिया इसने। आपकी इतनी बड़ी दाढ़ी निकल आई, मैंने कुछ कहा है? बाबा आप बाहर क्यों खड़े हैं? आए ना अंदर आके बैठे। आए बाबा जी। आए बाबा जी। आ जा बैठे। पागल हूँ ना सटे आया हूँ, लेकिन इसने मुझे पागल कर दिया। इसने किसने? और दुर्दाना बाजी आपको तो पता है ना, आपने अशरफ को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। ये बहुत पहुंचे बाबा हैं और इनके कब्जे में बहुत सारे जिन्नात हैं। ओहो मैं हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, मेरे जिन्नात बहुत अच्छे हैं। रोटी पानी चाय शाय? ओ माजी रोटी तो मैं खा के आया हूँ। आई लूटी तुझे कितनी दवा मना किया, सिर पे ना मार, तू तो है ही सदा का भूखा। चाय? नहीं नहीं माजी मैं तो सहरी में करूंगा नाश्ता। आई लूटी माजी एक चाय। बाबा जी ये जिन है या चाय का चर्सी है? तेरी अब पता चल गया ना कि मेरे पास जिन है। जी जी बाबा जी हमें पता चल गया। बाबा जी आप अपने जिन से कहे ना हमें 3 दूध पत्तियां पिला दे। मेरे पास अलादीन का जिन नहीं है, वैसे भी मेरा जिन ट्रेनिंग पे है। अशरफ जहाँ जहाँ की शगुफ्ता से कहो जल्दी से चाय बना, और उसको ये भी कह देना कि सहरी की तैयारी करनी है उसने। बाजी मैं हमने गया फिर हो नहीं आया। शिगुफ्ता बेगम तो सो रही हो? हम सो गए हैं। तुम नींद में बोलती भी हो? हमें सोते में गुफ्तगू करने की आदत है। अच्छा चलो जो भी आदत है ना, सुनो हमारे घर में ना एक पुराना मेरा मतलब है मेहमान आया है। क्या अशरफ ये कौन सा वक्त है मेहमान के आने का? शिगुफ्ता बेगम ये जब मेहमान होता है ना ये अल्लाह की रहमत होता है, और अल्लाह की रहमत तो किसी वक्त भी नाजल हो सकती है। अच्छा ठीक है अब सो जाइए, फिर सहरी में उठना भी है। शिगुफ्ता माँ जी ने ना मेहमान के लिए चाय बनाने को कहा है। चाय बनानी है?
अरे चाय बनाती हमारी जूती। तुमने अपनी जूती को चाय बनाने भी सिखा दी। आप माँ जी से कह दीजिए ना मैं सो रही हूँ। ना शोभता ना, मैं ना रमजान में झूठ नहीं बोलता। तो बिन बुलाए मेहमान को धक्के देके घर से निकालना चाहिए। ना शोभता ऐसे नहीं कहते, वो बहुत पहुँचे हुए बाबा है। पहुँचे हुए? हाँ वो तो बगैर एड्रेस के हमारे घर ही पहुँच गए। अच्छा शोभता, उनके पास जिन भी है। अरे छोड़िए क्या बात करे, हम नहीं मानते किसी जिनमिन को। हमें डर लग रहा है। अब तुम डरो या जो भी हो, इसी जिन के लिए तुमने चाय बनानी है। हम नहीं बनाएंगे कोई चाय वाय, हम इस जिन की कोई मुलाजमा थोड़ी है। अशरफ सलसला, ये सलसला नहीं है, ये उसी जिन की शरारत है। अब जिन भाई हम तो मजाक कर रहे थे, हम दोनों की लव मैरिज है ना, लव मैरिज में ऐसा ही होता है मजाक में। जिन भाई हमारी बेगम ठीक कह रही है। जिन भाई हम आपके लिए एक नहीं दो कप चाय बनाएंगे, ठीक है? वो भी दूध पत्ती लाची पा के। आप हमारे साथ किचन में चलिए अशरफ। शोभता तुमने जिन भाई को लव मैरिज का कह दिया, अब मैं तुम्हारे लिए इतना तो कह ही सकता। वो तो घबराहट में हमारे मुँह से निकल गया था। फिर तुम कल ही जाओ। नहीं नहीं अशरफ, आप हमारे बहुत अच्छे से शोर है ना, प्लीज चलिए हमारे साथ। हैं अच्छे वाला तो हूँ, चलो आओ तुम मेरे साथ आओ। बेबी डार्लिंग, किसी को जगाने के लिए इतनी जोर से तो थप्पड़ नहीं मारते। What? आज तो तुमने ये हरकत कर दी, आइंदा मत करना। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, खामखा मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुमने अभी मुझे थप्पड़ नहीं मारा। असू अभी तक तो नहीं मारा, लेकिन इन हरकतों पे ना मार दूंगा। अगर थप्पड़ तुमने नहीं मारा तो फिर किसे मारा है? असू मैं अभी बाथरूम से आई हूँ यार। अच्छा सुनो, तुम्हें ख्वाब में किसी ने थप्पड़ मारा होगा। हो सकता है, मगर जलन तो ओरिजिनल है। अच्छा उठ के मुंह हाथ धो लो, कल रोजा रखना है तुम्हें। मैंने? जाहिर है तुमने असफू, इस कमरे में तुम्हारे अलावा और कौन है? मैं तुम्हारे बाल क्यों खींचूंगा? तुम एक अदद घटिया इंसान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। रोजों की वजह से तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ मैं। ओहो बेबी डार्लिंग तुम्हारी कसम। शट अप असफू, तुम एक नंबर के झूठे और मकार आदमी हो। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है मुसीबत आया हुआ, इसे जल्दी जल्दी हमारे घर से दौड़ा दे। आमीन। सुम आमीन। भाईजान ये क्या हरकत है? हैं? भाई हरकत में बरकत होती है। रोजा रखिए, बच्चे वाली हरकतें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? ऐसी शर्म? ये तुम क्या कह रहे हो? आपने अभी अभी मुझे धक्का दिया। नहीं सर, रखिए झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं रोजा रख के तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। हाँ आम दिनों में ना थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ। आपने अभी मुझे धक्का दिया? नहीं दिया। झूठ बोल रहे हैं आप साफ साफ, आपका तो रोजा मकरू हो गया। ये रोजे में धक्का देने से रोजा मकरू हो जाता है? धक्का देने से नहीं भाईजान, झूठ बोलने से रोजा मकरू होता है। मुझे भी 3 बार धक्के पड़ चुके हैं। असफर है, सुबह सहरी में हमने क्या खाया था? खाने का वक्त ही क्या था रात को? बस तो फिर साबित हो गया ये ना कमजोरी के धक्के हैं। इसका मतलब आपने मुझे धक्का नहीं दिया? नहीं मैं तो सिर्फ टांग खींचता हूँ। भाईजान सुनिए ये आवाज कैसे आ रही है? वो ना अंदर अशरफ बाबा बैठे हुए हैं और अपने जिन से बातें कर रहे हैं। क्या चले चल के हम भी देखते हैं जिन के साथ है। मुझे जिन से बड़ा डर लगता है। अरे डर को छोड़े, सुनिए तो क्या बात हो रही है। ठहर जा। ओए तूने मुझे धक्का दिया? भाईजान आपने मुझे धक्का दिया, वो भी दूसरी दफा। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हैं। बस करो, तुम दोनों रोजर से हो। सॉरी माँ जी। अच्छा तो ये आपका दामाद मिस्टर फ्रॉडिया? और घर दामाद भी। बाबा जी आप कोई ऐसा अमल करें कि ये सुधर जाए। ओ, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। चलो बच्चों लंच का इंतजाम करो। लंच?
बाबा जी आपका रोजा नहीं है? और किसने कहा मेरा रोजा नहीं है? अभी तो आपने लंच का कहा, इसीलिए भाईजान के जहन में ये सवाल उठा है। अब मेरा रोजा है? मेरा रोजा तुम लोगों के रोजे की तरह नहीं है, मेरा पक्का रोजा है, पक्का। सॉरी बाबा जी। बाबा जी फिर ये लंच किस लिए? जिन के लिए। हक अल्लाह अल्लाह। जिन? मैं समझ गई, अशर पुत्र बाबा जी के लिए लंच का इंतजाम करो। ओ मेरे लिए नहीं, मेरे जिन के लिए। अयो तेरे को कितनी दफा मना किया है कि सर पे आस्था मारा कर। भैया आपका जिन आपको मारता भी है? भूखा जो है बेचारा। ओ जाओ फटाफट लंच की तैयारी करो, इसके बाद इफ्तारी की भी तैयारी करनी है। ठीक है माँ जी, ठीक है। उतरे आपके घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कैसी मुसीबत? ये मैं नहीं बता सकता। कोई तोड़? मुश्किल काम है, 20,000 का खर्चा है। अल्लाह जी तेरे को कितनी दवा मना किया मेरे सिर पे ना मारा कर। मैं 20,000 रुपए दे दूंगी। बस तो ठीक है, लंच यहीं भिजवा दे, मैं चिल्ला काटूंगा। बाबा जी मजीद कितने दिन रहेंगे यहाँ पे? क्यों? माँ जी मैं ना अपने मियाँ को लेके यहाँ से जा रही हूँ, जब तक ये बाबा जी यहाँ रहेंगे ना मैं और असबू कहीं और रहेंगे। फिर तो ये बाबा जी हमेशा यही रहेंगे। माँ जी एक पुत्र हमारे घर में ना एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत आने वाली नहीं है, मुसीबत आ चुकी है और ड्राइंग रूम में बैठी है लंच का इंतजार कर रही है। ऐसे नहीं कहते, बाबा जी हमारे लिए चिल्ला काटने वाले हैं। माँ जी बाबा जी हमारे लिए चिल्ला काटे या बिल्ला काटे आई डोंट केयर, आप काइंडली ना उनको खुदा हाफिज कह दीजिए। बस अब मैं और कोई बात नहीं सुनने वाली। हाँ बिस्मिल्लाह। इधर से